राजा था, जहांगीर उसका नाम था, उसने अंग्रेजों की एक कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दे दिया और मैं मानता हूं कि पिछले 500 साल की सबसे बड़ी भूल वही हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर ने जब व्यापार करने का लाइसेंस दिया सन 1618 में, तो शायद जहांगीर को यह भी नहीं मालूम होगा कि यह कंपनी एक दिन भारत को गुलाम बना लेगी। उसने तो अंग्रेजों से व्यापार के लालच में लाइसेंस दे दिया और वही लाइसेंस हमारे लिए इतना भारी पड़ गया, और इतना भारी पड़ गया कि सारा देश अंग्रेजों की गुलामी में लगभग 250 वर्षों के लिए चला गया। पहले कंपनी की गुलामी की हमने, फिर उसके बाद में अंग्रेजों की सरकार की गुलामी की हमने। 1618 से लेकर 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी में हम रहे। 1757 के बाद अंग्रेज सरकार और कंपनी की मिलीजुली गुलामी में हम रहे, और 1860 के बाद तो सीधे अंग्रेजों की सरकार की गुलामी में हम आ गए। और इस गुलामी में सबसे बड़ा नुकसान हमारा यह हुआ कि आर्थिक रूप से हमारी बहुत लूट हुई, और अंग्रेजों ने इतना लूटा इस देश को, शायद दुनिया के किसी देश के इतिहास में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी आपको। आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि अंग्रेजों ने कितना लूटा और कैसे लूटा। मैं पूरा विस्तार से तो नहीं बता सकता, लेकिन दो तीन आपको उदाहरण जरूर दे सकता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी यहां आते थे और लूट मार करते थे। सबसे बड़ा अधिकारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में होता था, उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। बाद में उसी को वॉयसराय कहना शुरू किया अंग्रेजों ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला जो गवर्नर जनरल इस देश में आया, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। 1757 की यह कहानी है। वो बंगाल के राजा के पास आया था। बंगाल का उस समय राजा था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के पास रॉबर्ट क्लाइव पहुंचा था और उसने ये कहा कि हमको बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। सिराजुद्दौला ने मना कर दिया कि हम आपको व्यापार करने का लाइसेंस नहीं दे सकते। क्यों? तो सिराजुद्दौला ने कहा कि अंग्रेजों का कुछ भरोसा नहीं है, ये जहां व्यापार करने के लिए घुसते हैं उसी राज्य पर कब्जा कर लेते हैं, इसलिए मैं मेरे राज्य में अंग्रेजों को नहीं आने दूंगा। उसने मना कर दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को चुनौती दी और उसने ये कहा कि अगर आप मुझे व्यापार करने का लाइसेंस नहीं दे सकते तो मैं बंगाल पर हमला करूंगा और बंगाल राज्य को जीत लूंगा और उसके बाद मैं यहां पर व्यापार करूंगा। तो सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है, हमला करके देख लो, अगर तुम विजयी हो गए तो बंगाल तुम्हारा है, और मैं विजयी हुआ तो तुमको बंगाल से भगा दूंगा और जाना पड़ेगा। इस आधार पर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को आपने बचपन में इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी एक छोटा सा स्थान है कलकत्ता के नजदीक में, मैदान है एक, वहां पर युद्ध तय हुआ और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, ऐसा हम इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन जब दस्तावेज देखना शुरू किया मैंने, तो पता चला कि 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में कोई युद्ध ही नहीं हुआ। क्या हुआ? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को चुनौती दी थी युद्ध की, तो सिराजुद्दौला की सेना जब आई युद्ध के लिए, तो अंग्रेजों की सेना से वो बहुत बड़ी थी। ये जो रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों की सेना का सेनापति, इसके पास सिर्फ 350 सैनिक थे, और सिराजुद्दौला की जो सेना थी उसके पास 18,000 सैनिक थे। अब आप कल्पना करिए कि अंग्रेजों के 350 सैनिक और भारतीय सेना के 18,000 सैनिक, युद्ध में कौन जीतेगा? तो आप कहेंगे भारत की सेना जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि जब रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि मेरे सामने तो इतनी बड़ी सेना है और रॉबर्ट क्लाइव की सेना तो बहुत छोटी सी है, तो उसने युद्ध का पैतरा बदल दिया और उसने एक चालाकी की। और चालाकी क्या की कि अपना एक आदमी उसने सिराजुद्दौला की सेना में भेजा और उस आदमी को यह कहा कि तुम जाकर यह पता लगाओ कि सिराजुद्दौला की सेना में कौन व्यक्ति है जिसको रिश्वत देकर खरीदा जा सकता है, भ्रष्टाचार करके अपनी तरफ मिलाया जा सकता है। तो उसका दूत गया सिराजुद्दौला की सेना में पता करने। तो सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति था मीर जाफर,
वो पैसे का थोड़ा लालची था और कुर्सी का भी लालची था। तो मीर जाफर के पास जब ये गया सैनिक अंग्रेजों वाला, तो मीर जाफर को उसने एक प्रपोजल दिया, एक प्रस्ताव दिया कि मीर जाफर तुम अंग्रेजों से मिल जाओ तो हम तुमको बंगाल का राजा बना देंगे। तुम अभी तक सेनापति हो, हम तुमको राजा बना देंगे। मतलब सीधा सा यह है कि मीर जाफर को प्रपोजल दिया गया कि तुम डिफेंस मिनिस्टर हो, हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, तुम हमारे साथ मिल जाओ। तो मीर जाफर ने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि तुमको एक ही काम करना है, युद्ध नहीं करना, हमारे ऊपर हमला नहीं करना। तो क्या करना? रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि तुम तुम्हारे सैनिकों को बोलो कि वो हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दें, और हम आत्मसमर्पण जब करा लेंगे तुम्हारी सेना से तो तुम्हारी सेना और हमारी सेना मिल जाएगी, मिलकर मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला का मर्डर कर देंगे, हत्या कर देंगे, और सिराजुद्दौला मर जाएगा, फिर तुमको राजा बना देंगे। तो मीर जाफर तैयार हो गया, उसको लालच आ गया, और अंग्रेजों ने उसको यह भी कहा कि 1 कोटी स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे। तो स्वर्ण मुद्राओं के लालच में और राजा बनने के लालच में वो पिघल गया, फिसल गया। उसने अंग्रेजों से एक संधि कर ली, और उस संधि के आधार पर 18,000 सैनिकों के सेनापति मीर जाफर ने 350 अंग्रेजी सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया। और अंग्रेजों के 350 सैनिकों ने 18,000 सैनिकों के ऊपर जीत हासिल कर ली। अभी 18,000 सैनिक और अंग्रेजों के 350 सैनिक मिलकर एक हो गए, और इन्होंने प्लान बना लिया कि सिराजुद्दौला को मार देना है। तो सिराजुद्दौला को मारने के लिए ये प्लासी के मैदान से चले घोड़े पर सवार होकर। तो रॉबर्ट क्लाइव आगे आगे था, 350 उसके सैनिक पीछे थे, और उसके पीछे 18,000 सैनिक थे, और उन्हीं में मीर जाफर भी था। तो ये सब घोड़े पर चढ़कर गए, कहां गए? मुर्शिदाबाद नाम के एक शहर तक गए, क्योंकि उस जमाने में राजधानी मुर्शिदाबाद थी बंगाल की, और राजा जो था वो मुर्शिदाबाद में रहता था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं मेरे सैनिकों के साथ भारत के 18,000 सैनिकों को बंदी बनाकर चल रहा था, घोड़े पर मैं आगे आगे बैठा हुआ था, भारत के सैनिक मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, और सड़क पर रास्ते के दोनों तरफ भारत के हजारों लोग हमारा जुलूस देख रहे थे। और रॉबर्ट क्लाइव ने एक बात लिखी है अपनी डायरी में कि जो भारत के लोग मेरा जुलूस देख रहे थे वो मेरे जुलूस पर तालियां बजा रहे थे, और जो भारत के सैनिकों को मैंने बंदी बनाया है वो आज्ञाकारी सैनिकों की तरह सिर झुकाकर चले जा रहे थे। फिर वो कहता है काश एक भी भारतवासी ने मुझे पत्थर उठा के मारा होता तो मैं उसी दिन मर गया होता और भारत का इतिहास उसी दिन बदल गया होता। लेकिन ये भारतवासी पत्थर नहीं मारते हैं, ये तालियां बजाते रहते हैं और अंग्रेजों का स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों किनारे खड़े होते रहते। ये बहुत दर्दनाक वाक्य है। रॉबर्ट क्लाइव खुद लिख रहा है कि भारत के हजारों लोग सड़क के किनारे खड़े होकर ताली बजा रहे हैं और 18,000 सैनिक अंग्रेजों के सामने सिर झुका के चले जा रहे हैं। अगर किनारे खड़े नागरिकों ने और सैनिकों ने मिलकर रॉबर्ट क्लाइव को दबोच लिया होता या पत्थर मार दिए होते, एक एक पत्थर भी उठा के मार दिया होता, तो 18,000 पत्थर में तो रॉबर्ट क्लाइव का कचूमर निकल गया होता और ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य उसी दिन इस देश में समाप्त हो गया होता। लेकिन हम वो नहीं कर पाए और देश का इतिहास दूसरी दिशा में चला गया। रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुंचकर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। सिराजुद्दौला की हत्या करने के बाद मीर जाफर का एक भतीजा था मीर कासिम, उसको राजा बना दिया थोड़े दिन के लिए, फिर मीर कासिम को हटा दिया, फिर मीर जाफर को राजा बना दिया, और एक दिन रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को मरवा दिया और खुद वो बंगाल का राजा बनकर ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित करके चला गया। इतिहास की ये बहुत बड़ी भूल है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, हमारे पुरखों की ये भूल जिसने हमको 250 साल गुलामी में डाल दिया, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। जिंदगी में कुछ गलतियां होती हैं जिनको क्षमा किया जा सकता है,
लेकिन कुछ भूलें होती हैं जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी में एक शब्द होता है हिमालयन ब्लंडर, हिमालय जैसी बड़ी भूल, शायद ये वही थी जो हमसे हो गई और उसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित हो गया। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव 7 साल तक रहा बंगाल का गवर्नर जनरल बनके, और उसने लूटा बंगाल को, लूट कर धन इकट्ठा किया, सोना चांदी हीरे जवाहरात। और जब भरपूर मात्रा में धन इकट्ठा हो गया तो लंदन चला गया। लंदन की पार्लियामेंट में उसको एक बार पूछा गया कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए, तो उसने कहा कि सोने चांदी हीरे जवाहरात भारत से लेके आया, सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जवाहरात लेके आया। तो उसको पूछा गया कितना लेके आए, तो रॉबर्ट क्लाइव ने जवाब दिया कि मैंने गिना तो नहीं है लेकिन अंदाज बता सकता हूं। और वो अंदाज क्या है, तो वो कहने लगा कि भारत से सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जवाहरात लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज किराए पर लेने पड़े, इतना धन और संपत्ति में भारत से लेके आया। फिर उसको पूछा गया कि ये जहाज कितना बड़ा, तो वो कहता है कि एक जहाज में कम से कम 60 से 70 मीट्रिक टन सोने के सिक्के आ सके, इतना बड़ा। तो 60 से 70 मीट्रिक टन, एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 60 से 70 हजार किलोग्राम सोना आए, इतना बड़ा एक जहाज, और ऐसे 900 जहाज भर के वो यहां से ले गया। तो आप कल्पना करिए कितना लूटा भारत को। और ये रॉबर्ट क्लाइव अकेला लुटेरा नहीं था भारत को लूटने वाला। रॉबर्ट क्लाइव आया, लूटकर चला गया। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आया, वो लूटकर चला गया। फिर उसके बाद हमारे देश में 84 अंग्रेजों के गवर्नर जनरल आए, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, केनिंग, कर्जन, लिलिथगो और विलियम वेंटिंग, डलहौजी, और अंतिम गवर्नर जनरल जो उनका, जिसको हम माउंटबेटन कहते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर माउंटबेटन तक 84 गवर्नर जनरल आए और सबने लूटा है इस भारत को, किसी ने छोड़ा नहीं है। अंतर इतना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ ज्यादा लूटा, दूसरे उतना नहीं लूट पाए, लेकिन लूटते ही रहे हैं और ये लूट का धन इंग्लैंड ले जाते रहे हैं। हम लोगों ने ये 84 गवर्नर जनरलों द्वारा लूटा गया भारत से जो धन है उसका एक अनुमान लगाया है, पूरा पक्का तो पता नहीं चल पाता लेकिन एक अनुमान है, और वो अनुमान है कि करीब 300 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति इन अंग्रेजों ने लूटी है भारत देश से। 300 लाख करोड़, इतना बड़ा धन और संपत्ति यहां से लूटा। एक छोटी सी भूल हुई जहांगीर से, उसने अंग्रेजी कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया। दूसरी भूल हमसे हुई कि रॉबर्ट क्लाइव जैसे अंग्रेज को हमने पत्थरों से मार नहीं डाला बल्कि उसके जुलूस का तालियां बजाकर स्वागत किया। और ये दो भूलें इतनी भारी पड़ गई पूरे देश को कि अंग्रेजों का साम्राज्य 250 वर्षों तक चल पड़ा। आपके मन में और एक प्रश्न आएगा कि क्या इसके अलावा और भी कुछ भूलें हुई हमसे। हाँ हुई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया और जहांगीर नाम के राजा ने वो लाइसेंस दे दिया, तो जहांगीर थोड़े दिन के बाद मर गया और जहांगीर के स्थान पर फिर एक दूसरा मुगल बादशाह आ गया और उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने जब सत्ता संभाली इस देश में तो अंग्रेजों के साथ उसका जबरदस्त युद्ध हुआ, और सन 1688 में औरंगजेब ने पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को पराजित कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हार गई, और औरंगजेब की शरणागति उन्होंने स्वीकार की और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकांश सैनिकों को औरंगजेब ने मार डाला युद्ध में। औरंगजेब के बारे में आप सभी जानते हैं, थोड़ा क्रूर था, निष्ठुर था, लेकिन बहुत बहादुर भी था। मारा उसने अंग्रेजों को और गाजर मूली की तरह से काट दिया 1688 में। अंग्रेजों की सेना पूरी तरह से परास्त हुई तो औरंगजेब के पास वो अंग्रेजों के अधिकारी गए और माफी मांगी औरंगजेब से और कहा कि हमको आप माफ कर दीजिए, हम दोबारा कभी आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, बस हमको भारत में रहने की परमिशन फिर से दे दीजिए। औरंगजेब के पहले जहांगीर ने लाइसेंस दिया और औरंगजेब ने उस लाइसेंस को मना कर दिया कि मैं इसको नहीं मानता।
जहांगीर से गलती हुई वो गलती मैं नहीं दोहरा सकता, और मैं अंग्रेजों की कंपनी का लाइसेंस निरस्त करूंगा और आपको मार के वापस इंग्लैंड भेज दूंगा। तो अंग्रेज घबरा गए, परेशान हो गए, औरंगजेब के सामने गए, चरणों में गिर गए, रोने लगे, पीटने लगे छाती उसके सामने। थोड़ी देर में औरंगजेब द्रवित हो गया और उसने कहा अच्छा जाओ तुम्हें माफ किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से लाइसेंस रिन्यू कर दिया उसने।